नमस्कार। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तनातनी बढ़ गई है। इसके बाद कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका दिया है बसपा प्रमुख मायावती ने। तो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं जनवक्ता श्री ओम गौतम जी। आइए जानते हैं उनसे क्या कहेंगे वो जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल बन रहा है। तो सर, अब क्या कहेंगे आप, हमें बताइए कि बसपा प्रमुख ने लताड़ दिया है कांग्रेस पार्टी को। जो कांग्रेस पार्टी झूठा दिखावा कर रही थी कल 7 सीटें छोड़ने का लोकसभा सीट में, उसके बाद बसपा प्रमुख ने उनको खुली चुनौती दी है कि वो 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और बोल सकते हैं आप उनको उनकी जो जगह है वो दिखा दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? हिंदी की एक पुरानी फिल्म का गाना है, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। कांग्रेस पार्टी जिसने कर्नाटक में बंगलुरु में जब जेडीएस की नेतृत्व में जो सरकार बनी थी कुमार स्वामी की, तब कोशिश ये की थी पूरे देश को दिखाने की कि अब वो शायद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक बड़ा महागठबंधन, जिसको नाम उन्होंने देने की कोशिश की थी, वो बनाने जा रहे हैं और उससे वो भारतीय जनता पार्टी के रथ को, जिसको के नरेंद्र मोदी चलाएंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। और एक एक करके उसमें से सारे जो रथी या महारथी इन्होंने दिखाने की कोशिश की थी वो अलग होते गए और अंतिम चरण जैसे ही चुनाव का आने वाला है, चुनाव की आज अधिसूचना जारी हो गई है पहले चरण की, तो उत्तर प्रदेश की दोनों बड़ी जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, क्योंकि बड़ी पार्टी तो वहां भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, जैसा कि मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमें हमारे ऊपर एहसान न करे और वो 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। दरअसल हुआ ये था कि सपा बसपा गठबंधन ने कहा था कि 2 सीटों को छोड़कर वो बाकी सीटों पर चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे और ये एक तरीके से गठबंधन है हमारा कांग्रेस के साथ में। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब दिया गया था कि हम उनके लिए 7 सीटें छोड़ देंगे, जिसका जवाब आज मायावती ने दिया कि वो पूरे 80 सीटों पर उतारे। और इसी कड़ी में मायावती के मुंह बोले भतीजे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन पर टोटी चोरी गमला चोरी के आरोप लगते रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि कांग्रेस हमें हल्के में लेने की कोशिश न करे, हमारे ऊपर एहसान न जताए। तो सीधे तौर पर अब स्पष्ट हो गया है कि बुआ भतीजा कांग्रेस पार्टी से अलग होकर ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अखिलेश यादव की तरफ से राहुल और उसकी मां सोनिया के खिलाफ प्रत्याशी उतारने में थोड़ी सी कोताही बरती जाए, लेकिन निश्चित तौर पर अब ये जो मुकाबला होने जा रहा है भारत के हृदय प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में, वो 3 तरफा मुकाबला होगा और इसका सबसे बड़ा जो फायदा मिलने की उम्मीद है वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जितने सैफोलॉजिस्ट से जितने ज़्यादा जो विद्वान तथाकथित विद्वान लोग हैं वो दावे कर रहे थे कि अगर तीनों पार्टियों का जो वोट बैंक है, वोट शेयर है, वो मिल जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी से वो ज़्यादा हो जाएगा, जबकि होता नहीं है ऐसा चुनावों में। चुनावों में जो अलग अलग वोट पड़ते हैं वो जब दोनों पार्टियां 3 पार्टियां मिल जाती हैं तो उसमें से भी कुछ वोट ऐसा होता है जिसका ह्रास होता है, तो वो ह्रास का जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और जैसा कि अभी कुंभ के दौरान देखने को मिला कि पूरे उत्तर प्रदेश से जो लोग वहाँ आ रहे थे या पूरे भारत से जो लोग आ रहे थे, उनके मुँह पर, उनकी जुबान पर एक ही नाम था, मोदी का, और वही स्थिति अभी दोबारा से बनती हुई नजर आ रही है, जिसके लेकर सपा बसपा भी आशंकित है और यही वजह है कि वो कांग्रेस पार्टी को कोई भी सीट शेयरिंग की स्थिति में अपना समझौता नहीं करना चाहते। जो आप बोल सकते हैं कांग्रेस नौटंकी कर रही है, जो प्रियंका वाड्रा हैं वो जाकर कभी आरती करती है, जिन्होंने धर्म चेंज कर चुकी हैं, वो धर्म परिवर्तन कर चुकी हैं और हिंदू धर्म को छोड़ चुकी है, उसके बाद भी वो जो नौटंकी कर रही है, स्वांग रच रही है और मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है जनता को, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या उससे कुछ फायदा या नुकसान क्या होने वाला है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में? नहीं, कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत रही है कि जब भी चुनाव आते हैं तो इसके जो अध्यक्ष हैं, जो या अध्यक्ष परिवार के, गांधी नेहरू परिवार के जो वारिस होते हैं, वो देश के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो खाना बनवा के, नई नई थालियां खरीद के ले जाते हैं, जमीन पर बैठ के केवल वहां दिखाने का एक ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं। नौटंकी चूंकि उत्तर प्रदेश का ही है तो नौटंकी कहना ज़्यादा उचित रहेगा। जहाँ तक प्रियंका वाड्रा का सवाल है, तो प्रियंका वाड्रा करीब 13 साल पहले
हिंदू धर्म का प्रत्याग कर चुकी है, उसने दूसरा धर्म अपना लिया है। अब वो कौन अपनाए उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो विवाद का विषय हो सकता है। संविधान कहता है किसी भी व्यक्ति को कुछ भी चुनने का हक है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से गंगा आरती का नाटक करना या फिर लेटे हुए हनुमान जी का आरती उतारना, ये दोनों ही तरफ से, एक तरफ तो ये हिंदू धर्म का अपमान है, क्योंकि जब जिस चीज में तुम्हारी आस्था नहीं है उस आस्था को तुम त्याग चुके हो, उसको दिखावा करने के लिए, जैसे फिल्म में होता है या सीरियलों में होता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे मजहब का होकर और वहाँ आरती उतार रहा होता, सेम वही उसी तरीके का नाटक करने की कोशिश की है। क्योंकि प्रियंका वाड्रा ने हिंदू धर्म का प्रत्याग करके जो दूसरा मजहब या धर्म अपनाया है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं है, तो या तो वो दोबारा से वापसी करें, घर वापसी करें हिंदू धर्म में, तब ये करें तो माना जाएगा, लेकिन ऐसा ये करते नहीं है। राहुल गांधी भी जनेऊ दिखाने की कोशिश करते हैं, सर्टिफिकेट में वो किसी और रिलीजन के माने जाते हैं, फिर वो वहीं किसी मजार पे जाते हैं तो वहाँ जिस तरीके से वो बैठते हैं, उनका बैठने का तरीका है, उस पर सवाल उठते हैं। ये सारा का सारा इस देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इनका प्रयास है, इनका इन आस्थाओं से कोई मतलब नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि भारत के अंदर अगर ब्लेसफेमी जैसा कानून होता, इस निंदा का कानून होता, तो इन लोगों के खिलाफ केस भी चल सकता था, लेकिन ऐसा है नहीं। इस वजह से ये फायदा उठाते हैं और चुनाव आते ही ये अपने आप को बहुत ज़्यादा धार्मिक दिखाने की कोशिश करते हैं, तिलक लगाएंगे, आरती उतारेंगे, ये सारा ड्रामा है। एक और बड़ा सवाल कि कांग्रेस की कहीं भी गठबंधन में दाल गलती नहीं दिखाई जा रही है। आप बोल सकते हैं कि यहाँ तो अभी हमने उत्तर प्रदेश की बात की, जहाँ अखिलेश यादव और बोल सकते हैं बसपा प्रमुख मायावती ने भी कांग्रेस को लताड़ दिया है, धुतकार दिया है। इसके बाद बिहार में जो बोल सकते हैं लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस पर बोल सकते हैं कटाक्ष कर दिया है और कांग्रेस के अभी गठबंधन करने को राजी नहीं है, तो ऐसा क्यों कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन में आना नहीं चाहता है? नहीं, ऐसा है कि अभी जो स्थिति बनी हुई है, पिछले 5 सालों में विपक्ष ने काफ़ी कोशिश की कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कोई एक बड़ा मोर्चा बनाया जाए, लेकिन मोर्चा तब बनता है जब उसका कोई लीड करने वाला हो। आज स्थिति यह है विपक्षी दलों में कि लीड करने वाला कोई है नहीं, ज़्यादातर विपक्षी दल पारिवारिक कंपनियों की तरह काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव का पूरा कुनवा का खेल है, वो समाजवादी पार्टी नाम है लेकिन वो परिवारवादी पार्टी है। वही स्थिति मायावती की बसपा की है, उस पर उसका कंट्रोल है, अभी वो अपने भतीजे को आगे कर रही है। बिहार में भी वही स्थिति है कि चारा चोरी के आरोप में जेल काट रहे राहुल लालू के दोनों लाल उस पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी सारी पार्टियां, चाहे TDP हो, चाहे दूसरी बीजू जनता दल हो, ये पार्टी पारिवारिक पार्टियाँ, NCP हो, इनमें परिवार का वर्चस्व है, तो वहाँ पर ये न राज्य की सोचते हैं न देश की सोचते हैं, इन्हें सत्ता से मतलब होता है। तो अब स्थिति ये है कि जो सीटें वो जितनी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उतनी ज़्यादा उनकी जीतने का जो चांस है वो रहेगा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। यही वजह है कि लालू के लाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को हम 11 सीटें देंगे देने की, कांग्रेस वहाँ 16 सीटों के चक्कर में है। इस वजह से वहाँ उसने भी एक तरीके से सीधे तौर पर धमकाने की कोशिश की है कि देखो गठबंधन होगा लेकिन आप जितनी सीटें मांग रहे हो हम उतनी सीटें देने को राजी नहीं है। वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सपा बसपा दोनों मिलके 10 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा देने की बात कर रहे थे, कांग्रेस 25 सीटें मांग रही थी। इस वजह से यहाँ गठबंधन जो हुआ वो केवल सपा बसपा के बीच में हुआ। यही स्थिति दूसरे राज्यों में भी है, जैसा कि कर्नाटक में जहाँ पे ये सारा खेल ड्रामा जो शुरू हुआ था JDS के शपथ ग्रहण के नाम पर, तो वहाँ भी देवगौड़ा और कांग्रेस की लड़ाई यही चल रही है। तो ये सारा का सारा खेल है सीट के नाम पर, और स्वार्थ की राजनीति में ऐसा ही होता है कि जहाँ पर आपसी की फूट होती है तो जो हाड़ी पक रही होती है वो फैलती ही फैलती है, वो हो रहा है इसमें। जहां कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में और बिहार में बड़े बड़े झटके लग रहे हैं, वहीं उन्होंने सत्ता पाने के लिए जो बोल सकते हैं मनोहर पारिकर जी का निधन हो गया है उसको भी सत्ता में आने का एक अवसर बना लिया है जिसमें वो राजनीति में आ पाए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस की पुरानी रीति रही है कि इनके लिए किसी की संवेदनाओं का, देश के संस्कृति का कोई महत्व नहीं है। जैसा कि पिछले दिनों देखने को मिला था कि राहुल गांधी जो कांग्रेस का अध्यक्ष है वो एकदम से पहुंच जाता है मनोहर पारिकर जी से मिलने, और मिलने के बाद में बाहर आके बयान देता है कि उन्होंने कहा है कि राफेल में जो चोरी हुई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे बताया नहीं।
जिसको लेकर मनोहर पारिकर ने एक बड़ा मार्मिक लेटर लिखा और उसमें कहा कि मुझे उम्मीद थी कि आप राजनीति से ऊपर उठकर मुझे देखने आए, मुझे स्वस्थ होने की बधाई देने आए, लेकिन आपने जिस नीचता का परिचय दिया, हालांकि उन्होंने नीच शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, वो बड़े सादगीपूर्ण और अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन मैं कर सकता हूँ क्योंकि हम जनवक्ता हैं और जनता की तरफ से हम बात रखते हैं, कि इस नीचतापूर्ण कृत्य पर उन्होंने उसको लताड़ा था। और आज जब उनकी डेथ के बाद उनकी आज अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, कांग्रेस पार्टी इसको सत्ता प्राप्ति का सरकार बनाने के अवसर के तौर पर ले रही है, ये उसकी घिनौनी राजनीति का परिचायक है। और ऐसी घिनौनी राजनीति को जनता को भी ध्यान से देखना चाहिए कि ये लोग गिद्धों से कम नहीं है, जो गिद्ध किसी के मरने के बाद उसकी मौत का इंतजार कर रहा होता है। एक बहुत पुराना एक फोटो फेमस हुई थी कि एक बच्चा है, कुपोषित है, वो मरने के इंतजार में भूखा प्यासा बैठा हुआ और पीछे एक गिद्ध बैठा हुआ है, वो इस इंतजार में है कि जैसे ही मर के गिरेगा मैं इसको खाने आ जाऊँ। वही हालत आज कांग्रेस की हो गई है कि ये देश के किसी भी नेता का सम्मान नहीं कर रही है, किसी भी संस्था का सम्मान नहीं कर रही है, हर हालत में वो सत्ता पा लेना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से शेयर करने के लिए। मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ।